सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ओप्पो के F17 डिवाइस के बारे में और इसके कलर OS 12 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के अपडेट के बारे में। अगर आप लोग इंडिया में ओप्पो F17 डिवाइस यहां पर यूज करते हो तो आपको इंडिया में कलर OS 12 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, सो इसकी कन्फर्म डेट है इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग एक ओप्पो F17 डिवाइस के यूजर हैं और वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपके डिवाइस के लिए जैसे ही कलर OS 12 का अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो है, फीचर की वीडियो है वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओप्पो के F17 डिवाइस के बारे में और इसके कलर OS 12 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के अपडेट के बारे में। सो यहाँ पर ओप्पो का जो कलर OS 12 का अपडेट है वो बहुत ही कमाल का अपडेट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर कमाल के फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर है उसका जो लुक है वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट है जो कि यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है अगर आप लोग इसको यहाँ पर कंपेयर करो कलर OS 11 के अपडेट से। सो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कलर OS 12 अपडेट के अंदर। और अभी फिलहाल ओप्पो की ओर से बहुत सारे डिवाइस है उनके अंदर बीटा अपडेट है जो कि यहाँ पर करंटली रन कर रहे हैं। स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर ओनली वन डिवाइस है उसके लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है। आई थिंक 2 डिवाइस है उनके लिए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है जो कि ऑफिशियल अपडेट है कलर OS 12 का। एक तो ओप्पो रेनो 6 प्रो और एक ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो इन दोनों डिवाइस के लिए स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है। और जितने भी डिवाइस के अंदर आपको कलर OS 12 का अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है उनके अंदर आपको बीटा अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों से बात करूँ ओप्पो F17 जो डिवाइस है इसके अंदर आपको बीटा अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो हाँ दोस्तों आप लोगों को बीटा अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन बहुत ही लेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये बात मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ओप्पो की ओर से कन्फर्म यहाँ पर किया गया है कि ओप्पो F17 जो डिवाइस है इसके अंदर आपको कलर OS 12 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का बीटा अपडेट है जो कि यहाँ पर सेकंड फेज के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड फेज आप लोगों को यहाँ पर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दो फेज आपको देखने को मिलते हैं वन ईयर के अंदर, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इन 6 मंथ का आप लोगों को फर्स्ट फेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 6 मंथ का आपको सेकंड फेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सो सेकंड फेज के अंदर ओप्पो F17 जो डिवाइस है उसको यहाँ पर रखा गया है कलर OS 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के बीटा अपडेट के लिए। अब ये यहाँ पर बात कन्फर्म हो चुकी है आप लोगों को अपडेट है वो इन 6 मंथ है उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ओप्पो की ओर से अपडेट है कुछ ज्यादा यहाँ पर जल्दी रिलीज किया जाता है बहुत सारे डिवाइस के लिए उनके लिए स्टेबल अपडेट आ जाता है। सो आप लोगों के लिए ये वाली बहुत ही पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कि आप लोगों को यहाँ पर जो अपडेट है ना वो अप्रैल मई जून ये जो 3 मंथ है उनके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कलर OS 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के ऑफिशियल फीचर के बारे में यहाँ पर जानना है। सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कलर OS 12 के फीचर देखने के लिए सो वीडियो की जो लिंक है ना वो आपको ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, आप लोग जाके उसको यहाँ पर चेकआउट कर लेना। सो फ्यूचर में अगर इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज आती है सो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो है वो यहीं पे देखने को मिल जाएगी। सो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग ओप्पो का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।